जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन में स्थित एक दुकान से दिन दहाड़े युवक ने 1000 रुपये चुरा लिए। रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दुकान संचालक ने जीआरपी का वीडियो फुटेज दिए हैं, जिसके बाद पुलिस चोर को तलाश में जुट गई है। चोर लाल पगड़ी बांधे हुए है, जो कि पलक झपकते ही दुकान के रखे 1000 रुपये पार कर देता है। चोरी की वारदात कैद हुई कैमरे में, दुकानदार से बाहर जाते ही पार कर दिए 1000 रुपये। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन के स्थित एक दुकान से दिन दहाड़े युवक ने 1000 रुपये चुरा लिया। रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दुकान संचालक ने जीआरपी का वीडियो फुटेज दिए हैं, जिसके बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। चोर लाल पगड़ी बांधे हुए है, जो कि पलक झपकते ही दुकान में रखा 1000 रुपये पार कर देता है। मुख्य रेलवे स्टेशन के पास अरविंद मिश्रा का रेस्टोरेंट है। सुबह अरविंद ने जब दुकान खोला तो कुछ देर के बाद एक युवक लाल पगड़ी पहनकर आया और उसने समोसे मांगे। रेस्टोरेंट संचालक समोसे लेने के लिए दुकान से बाहर गया, तभी लाल पगड़ी पहने युवक दुकानदार के गले के पास गया, जहां रखे 1000 रुपये निकाले और दूसरे दरवाजे से निकल गया। हालांकि चोरी का ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। दुकानदार की शिकायत पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। रेस्टोरेंट संचालक जीआरपी को बताया, जिस व्यक्ति ने चोरी की वारदात से अंजाम दिया है, वह पहली मर्तबा उसकी शॉप में आया था। जीआरपी पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। जब दुकान आपने खोला तो यहाँ पे एक बंदा वो बैठा था, सरदार नाम का था उसका, पगड़ी वगड़ी लाल बांध के रखा था। तो जब मैं यहाँ से पर्दा दुकान खोला, इसके बाद अगरबत्ती वगैरह जलाया, गल्ला खोला था, शायद वो देख लिया होगा गल्ले में पैसा है। इसके बाद मैं गल्ला बंद किया और चला गया समोसा लेने के लिए। तो मुझसे उसे 2 या 3 मिनट में अंदर समोसे गिनती करने में टाइम लग गया। वहाँ से आया तो यहाँ देखा तो ना तो पैसा था, तो लड़का ही।